लास्ट लेक्चर में अपने 17 क्वेश्चन की बात कर ली थी, आज हम इसका 18वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये मान लेते एक भवन है 30 मीटर ऊंचा। अब क्या बोलता है, 1.5 मीटर लंबा लड़का इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, ये भवन मान लिया 1.5 मीटर, ये लंबा लड़का मान लिया इसमें, ये इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लिया ये यहां पर खड़ा है। अब आगे इसने क्या दिया है, वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, वो यहां से चल के इस भवन की ओर जाता है। फिर आगे इसने दिया है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। पहले जब वो यहां पर था उसकी आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण था 30 डिग्री, ये इसका क्षैतिज तल हो गया। और जब वो यहां से चल के भवन की ओर गया आगे और, तो उसकी आंख से उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया भवन के शिखर का। अब ये कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो बताइए कि वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, ये बताना है ये लड़का यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी तय करके गया है। मान लेते हैं ये दूरी उसने तय की है एक्स मीटर, मान लेते हैं ये दूरी उसने कितनी तय की है एक्स मीटर, ये यहां तक 1.5 है, तो ये भी कितना रह जाएगा 1.5 मीटर। इसको नाम दे देते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, भवन के आधार ए से स्मॉल डी दूरी पर, भवन के आधार ए से स्मॉल डी दूरी पर स्थित बिंदु, भवन के आधार ए से स्थित बिंदु डी से, ठीक है, स्थित बिंदु डी से एक लड़का डीसी, एक लड़का 1.5 मीटर लंबा लड़का डीसी है, तब उसकी आंख सी से भवन के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जब लड़का बिंदु सी से बिंदु एफ तक पहुंचता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर बी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये देखो, माना वह लड़का बिंदु सी से एफ तक स्मॉल एक्स मीटर दूरी चलकर गया है, माना सी एफ इक्वल स्मॉल एक्स मीटर। अब डीसी किसके इक्वल होगा, यहां पर इसको नाम देते हैं एजी, तो डीसी इक्वल होगा एजी के, ये कितना हुआ 1.5 मीटर। इससे पहले ये कौन बता दोगे, कौन BCG इक्वल 30 डिग्री और कौन BFG इक्वल 60 डिग्री, BFG इक्वल 60। अब ये इसके इक्वल है, आप तो हमें तो ये क्षैतिज समतल है, यानी ये त्रिभुज चलेंगे हमारे, तो यहां से ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ये त्रिभुज चलेंगे तो लंबाई भी हमारे पास इतनी होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू देखो यहां पर कितनी आ जाएगी, BG इक्वल पूरे AB में से अगर इस AG को माइनस कर दें तो क्या रहेगा BG, तो AB माइनस AG, तो 30 माइनस 1.5, तो ये कितना आ गया 28.5 मीटर। ये दूरी यहां G से B तक कितनी है 28.5 मीटर। ये इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू तो फिर फाइंड करेंगे जब पूरा त्रिभुज लेके चलेंगे, सबसे पहले इस FG की वैल्यू फाइंड करते हैं, लंब और आधार का संबंध लगाएंगे तो किस में आता है टैन में, तो समकोण त्रिभुज एफ जी बी में, एफ जी बी देखो यहां पर लंब और आधार टेन में आएंगे, तो टेन थीटा
थीटा इक्वल लंब रेस के लिए कितना हो गया जी बी, या बी जी बोल सकते हैं इसको, अपॉन में आधार कितना हो गया एफ जी, थीटा की वैल्यू 60 तो टेन 60 डिग्री, जी बी की वैल्यू या ये हमारे पास कितनी है ये 28.5 अपॉन में एफ जी, इसके बटा हम कितना मान लेते हैं एक, यहां पहले इसकी वैल्यू रखते हैं टेन 60 की वैल्यू रूट 3 इक्वल 28.5 बटा में एफ जी, तो एफ जी इक्वल 28.5 बटे रूट 3, इसके बटा कितना हुआ है इसके मल्टीप्लाई में आएगा उसके बाद रूट 3 भाग में चलाएगा, तो समीकरण एक। अब पूरा समकोण त्रिभुज लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज सी जी बी में, समकोण त्रिभुज सी जी बी में टैन थीटा इक्वल, इसके लिए लंब कितना है हमारे पास जी बी, अपॉन में आधार इसके लिए कितना है सी जी, थीटा की वैल्यू 30 तो टेन 30 डिग्री, इक्वल में जी बी, जी बी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन में सी जी, सी जी को लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ जी, सी एफ प्लस एफ जी, एफ जी का मान समीकरण एक से रखने का, समीकरण एक में एफ जी की वैल्यू निकाल थी 10 की वैल्यू 1/√3 28.5 बटे सी एफ, सी एफ हमने क्या माना है स्मॉल एक्स, प्लस 28.5 बटे रूट 3, तो 1/√3 इक्वल में 28.5 बटे एलसीएम लेंगे, यहां से एलसीएम कितना आ गया रूट 3, ऊपर आ गया एक्स रूट 3 प्लस 28.5, नीचे वाली संख्या के बटा में रूट 3 कहां चलाएगा ऊपर, तो देखो यहां से हमारे पास क्या आ गया इसमें एक बटे रूट 3 28.5 रूट 3, ये रूट 3 कहां चलाएगा ऊपर नीचे वाली संख्या के बटा में था, अपॉन में एक्स रूट 3 प्लस 28.5, तिरछा गुना करते हैं तो एक्स रूट 3 या वजन गुना प्लस 28.5, 28.5 रूट 3 इनटू में कितना चला गया इसके रूट 3, तो एक्स रूट 3 प्लस 28.5 इक्वल में रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 28.5 इंटू 3, तो एक्स रूट 3 प्लस 28.5 इक्वल में 3×8=24 और 1×25 3×2=6=8 प्लस के 28.5 है उस साइड जाके माइनस के, तो एक्स रूट 3 इक्वल 85.5 माइनस 28.5, तो x रूट 3 इक्वल कितना आ गया 5×5 घटाएंगे 0, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो कितना आ गया 57, तो x इक्वल 57 बटे रूट 3, रूट 3 में बटा में तो क्या कर लेते हैं रूट 3 से एक अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, तो रूट 3 इनटू रूट 3, तो एक्स इक्वल 57 रूट 3 अपॉन में 3, तो 19×57 तो एक्स इक्वल कितना आ गया 19√3 में, आगे और वैल्यू निकालनी है तो रूट 3 की वैल्यू रखोगे 1.732 उससे मल्टीप्लाई करो, तो अतः वह लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है 19√3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा एक भवन है उसके शिखर से एक टावर के शिखर का, इसका अर्थ टावर क्या होगा भवन से बड़ा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक ये भवन मान लिया हमने,
ये कितने मीटर ऊंचा है हमारे पास? 7 मीटर ऊंचे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। टावर इसका अर्थ बड़ा है भवन से, तभी इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोला है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। ये हमारे पास एक क्या है? टावर। ये यहां तक 7 मीटर है, तो आपको पता है ये भी यहां तक कितना हो जाएगा? 7 मीटर। आगे क्या बोला है? टावर के आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री। यहां से ये टावर है, इसका आधार ये है टावर का, ये टावर का शिखर है, इसके आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री। ऊपर से क्या कर रहे हैं? नीचे की ओर देख रहे हैं, तो इसका अवनमन कोण 45 डिग्री। ये आगे इसमें क्या बोला है? टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात। तो यहां तक ये 7 है, इसको मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं यहां तक? h मीटर। तो पूरे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 + h मीटर। पूरे टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? 7 + h मीटर। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी और ई। माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। मान लिया ये ए बी एक क्या भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर, तथा सी डी एक टावर है, तथा सी डी एक क्या है? टावर। भवन के शिखर बी से टावर के शिखर डी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तथा भवन के शिखर बी से टावर के आधार सी का अवनमन कोण 45 डिग्री। माना एडी इक्वल स्मॉल एच मीटर। माना एडी इक्वल स्मॉल एच मीटर। अब देखो ये ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी की, तथा ए सी समांतर है बी की। ये लिख दोगे यहां पर, इससे पहले ये कोण लिखोगे यहां पर, कोण डी बी इक्वल 60 डिग्री और कोण ई बी सी इक्वल 45 डिग्री। अब कोण ए बी सी इक्वल, अब ये दो क्या समांतर रेखाएं हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत और बने कोण क्या होते हैं? समान, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बन जाते हैं? एकांतर। ये जेड की आकृति बन रही, तो ये भी कितना आ जाएगा? 45। तो ये लिख दोगे यहां पर, ये समांतर है, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल है कोण बी सी ए, इक्वल में 45 डिग्री, और ए बी इक्वल है सी ई, इक्वल में 7 मीटर, इक्वल में 7 मीटर। ये हो गया। अब सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करें, बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। अगर इस बेस की वैल्यू आई उसके बाद ही एच की वैल्यू निकालेंगे। नहीं हमारे पास यहां पर करण है, नहीं हमारे पास आधार है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू होनी चाहिए। करण की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते एक बार, इसकी तो निकाल सकते हैं बेस, क्योंकि दोनों का क्या है? समान। तो समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में लंब और आधार किसमें आए थे? टेन में। तो टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए कितना हो गया? ए बी अपॉन में आधार इसके लिए कितना हो गया? ए सी। थीटा की वैल्यू यहां पर इसके लिए कितनी है? 45। ए बी की वैल्यू कितनी है? 7 अपॉन में ए सी, 1 = 7/AC। तो ए सी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 7 मीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सी किसके इक्वल है? बी के, क्योंकि ए सी इक्वल है बी की, इक्वल 7 मीटर। इक्वल में कितना आ गया? 7 मीटर। इस समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज
लॉन्ग बेस के लिए कितना हो गया ED अपॉन में, बेस इसके लिए कितना हो गया BE, इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट, यहां से रखेंगे BE का मान समीकरण एक से BE का मान रखने पर ये लिख दो थीटा की वैल्यू इसके लिए कितनी है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल ED, ED की वैल्यू स्मॉल h, BE की वैल्यू कितनी है 7, tan 60 की वैल्यू रूट 3 इक्वल में h बटे 100, इसके बटा कितना मानते हैं वजन गुणा करेंगे तो स्मॉल h इक्वल 7 रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें क्या चाहिए पूरी टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई, अतः टावर की ऊंचाई कौन सा टावर CD इक्वल CE प्लस AD, CE प्लस AD, तो CE की वैल्यू 7 प्लस AD की वैल्यू h, समीकरण 2 से h का मान रखने पर तो h की वैल्यू कितनी है 7 रूट 3, तो 7 प्लस 7 रूट 3 कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 7 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस रूट 3, रूट 3 का मान रखने पर 1 प्लस 1.732, तो 7 इंटू 2.73, तो 7 इंटू 2 14 एक अंशिल, 21 और 1 22 दो अंशिल, 49 और 2 51 5 अंशिल, 14 और 5 19, तो ये कितनी आ गई 19.12 मीटर, अतः इस टावर की ऊंचाई कितनी है 19.12 मीटर। अब इसका 20वां क्वेश्चन खुद करेंगे, 20वां क्वेश्चन खुद करेंगे और इसमें से 24वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन और 24वां क्वेश्चन खुद करेंगे, बाकी फिर भी जो भी आपके पीछे चैप्टर हो चुके हैं उनमें कोई भी डाउट हो या इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो आप पर्सनली मैसेज करके वो डाउट क्लियर कर सकते हैं, बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर।